हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास एट्थ का स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर फोर हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो नर्मदा नदी है, आपको पता है, और इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसमें चैप्टर में नर्मदा नदी के ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति से लेके कहाँ ये आके मिलती है, पूरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर आप बुक ओपन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई एम रिवर नर्मदा। इसमें क्या है, जो नर्मदा नदी है वो खुद ही अपना इसमें अपना डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। आई जो यहाँ पे यूज हुआ है, ये नर्मदा नदी खुद अपने लिए आई यूज हुआ है। तो वो कहते हैं मैं नदी नर्मदा हूँ। आई एम प्राउड। वो ना अपने आप पे प्राउड है, क्यों? दैट आई फ्लो इन इंडिया। वो कहती हैं कि मैं भारत में बहती हूँ। दैट आई फ्लो इन इंडिया वेयर आर रिवर इज कंसिडर्ड एज लिविंग बीइंग एंड एवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर्स एज गॉडेज इज हेयर। तो इसमें वो कहती हैं कि मुझे गर्व है, मैं नर्मदा नदी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इंडिया में बहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग बींग्स हैं एज अ लिविंग बींग्स की तरह मुझे मानते हैं, यानी कि जीवित व्यक्ति की तरह मुझे मानते हैं, और इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर नदियों की देवी की तरह पूजा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने भारत में जिस तरीके से, अपने भारत में आप भी जानते हो कि इंडिया में हम लोग नदियों को पूजा करते हैं, नदियों की बहुत देवी की तरह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यही नदी नर्मदा ने इसमें कहा है। अब यहाँ पर बताया है देयर आर मैनी होली रिवर्स। बहुत सारी होली में होता पवित्र पवित्र नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलज एट्सेट्रा। तो उन्होंने कहा है बहुत सारी होली रिवर्स जो अपने इंडिया में हैं और इनको एक गॉडेज की तरह ही माना जाता है। तो इसमें नाम भी दिए हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये सारे इसमें नाम भी दिए हैं। अब इन्होंने कहा है पीपल टेक सेक्रेट बाथ इन दैम एंड फील प्यूरिफाइड। तो आपने सुना है, कहते हैं कि भैया वो गंगा नदी में नहाया हो, वो मतलब वो पवित्र हो जाते, इस टाइप में बोलते ना कि पवित्र हो गए ये सब। तो वो उन्होंने यही चीज़ यहाँ पे कही है कि लोग इसमें नहाते हैं और अपने आप को कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं कि वो प्योरीफाइड हो गए, यानी कि बिल्कुल शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। तो इन्होंने कहा आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, इन्होंने बताया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि लोग हमें क्या कहते हैं, माँ नर्मदा। तो ये अपने यहाँ है, अपन माँ गंगा माँ भी बोलते हैं, माँ नर्मदा भी बोलते हैं, नदियों के लिए माँ शब्द यूज करते हैं, देवी करते हैं, देवी गंगा, तो इस टाइप में ही बोलते हैं। इन्होंने इसके बाद कहा है आई टुक लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर। और मैं भी, वो कहते हैं लोग हमें मानते हैं लेकिन मैं भी उन्हें एक माँ की तरह ही उनका ख्याल रखती हूँ। अब इन्होंने ये भी बताया कि इसमें पूरे साल में बहती रहती हूँ। अब आगे इनकी और भी चीज़ें बताई हैं। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुरा माउंटेन्स। तो ये नदी इन दोनों के बीच में, मध्य प्रदेश में विंध्याचल एंड सतपुरा पर्वत की बीच से बहती है। और उन्होंने कहा है कि लोग इसे क्या कहते हैं, लोग इन्हें कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अब उन्होंने कहा इसके बाद और बहुत सारी इसमें आगे बातें आएंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही थोड़ा मैं पढ़ते जाऊंगी साथ में आपके। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा आई हैव बीन डिपिक्टेड इन मैनी होली बुक्स। और मुझे बहुत सारी पवित्र किताबों में भी बताया गया है मेरे बारे में। अब द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। और जो नर्मदा पुराण है उसमें आपको पूरा नर्मदा के बारे में डिटेल मिल जाएगी। अब इसके बारे में आपने बताया, इसके इनके बर्थ के बारे में बताया है, इन्होंने अपने बर्थ के बारे में बताया है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से कहाँ तक ये बहती हैं। तो ये आपके सेकेंड थर्ड पैरा में है। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। तो कहते हैं आपने शायद पक्का ही मेरी कहानी, मेरे जन्म की कहानी सुनी होगी। एक बार भगवान शिव लॉस्ट इन मेडिटेशन द मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज में वहाँ पर कौन, भगवान शिव जी मेडिटेशन होता है ध्यान, ध्यान में खोए हुए थे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन, तो वह बहुत सारे उन्होंने साल तक ध्यान किया। भगवान शिव का तो आपको पता है, सबने सुना है कि वे बैठ जाते थे धोनी रवाने तो सालों बीत जाते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने ध्यान में सालों उनके बीत चुके थे। अब क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने एक हिज पीसफुल एंड सूदिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मेडन, इट वॉज मी। तो उनकी इस तपस्या से
इस शांतिपूर्ण और सांत्वना भरे इससे क्या हुआ, एक ब्यूटीफुल मेडन, मेडन होता है एक बोलेंगे देवी बोलेंगे उनको हम, एक मेडन यानी कि उसका जन्म हुआ, जो कौन था, इट वॉज मी, यानी कि वो कौन था, नर्मदा नदी, यानी कि नर्मदा नदी का जन्म भगवान शंकर जी के ध्यान से हुआ। अब उन्होंने कहा आई बोव्ड बिफोर लॉर्ड सेवा, यानी कि भगवान शिव के सामने ये झुकती हैं। अब इनके बारे में उन्होंने कहा ही ओपन्ड हिज आइज, तो जैसे ही नर्मदा यानी कि शंकर जी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा था उन्होंने नर्मदा जी से, माय क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन इट्स हार्ट, तो उन्होंने कहा मेरी जो उत्पत्ति यानी कि नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई, जो उन्होंने एक बहुत स्वीट यानी कि उनके हृदय में बहुत एक मीठा मिठास से भर दी, इसलिए उन्होंने उन्हें हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, इसलिए इन्हें नर्मदा कहा गया। उनने पूछा, अब नर्मदा जी ने उनसे पूछा शंकर जी से क्या पूछती हैं वो, ये एक आपके आंसर में भी आएगा, बीच में आप क्वेश्चन से पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। उन्होंने पूछा ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन अ मेडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। अब उन्होंने एक ब्लेसिंग मांगी शंकर जी से, शिव जी से, उन्होंने कहा ओ फादर, उन्होंने फादर बोला उन्हें, अलाउ मी, मुझे आप अलाउ करो, परमिशन दो मुझे, आप ये अनुमति दो, रिमेन अ मेडन में, मेडन मेडन होता है एक अनमेरिड को बोलते हैं, अनमेरिड गर्ल, यानी कि पूरी मेडन रहें हमेशा, और फ्लो फ्री एंड प्योर, वो हमेशा लगातार बहती रहें और बिल्कुल प्योर, हमेशा शुद्ध पवित्र बनी रहें, यानी कि उन्होंने उनसे ये आशीर्वाद मांगा। लेट इट बी सो माई चाइल्ड, तो शंकर जी ने भी कह दिया ऐसा ही होगा, जाओ, भगवान जी जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया। ही सेड एंड क्लोज हिज आइज, इतना उन्होंने आशीर्वाद दिया नर्मदा जी को और अपनी आंखें बंद कर ली, यानी कि उनकी तपस्या से ही इनका जन्म हुआ और उन्होंने इतनी बात उनके करके आशीर्वाद देके अपनी आंखें फिर से बंद कर दी। इसके बाद जब से आज तक मैं इन माउंटेन्स के बीच में पहाड़ी वैलीज माने होता है झील, झीलों के और प्लेन्स प्लेइंग डांसिंग जंपिंग जिग जैगिंग एंड गर्गलिंग इन सच मैनर, इस तरीके से बहुत सारे तरीकों से, इसका मतलब ये है पर्वतों से होते हुए, झीलों से होते हुए और प्लेन्स प्लेइंग मतलब मैदानों से खेलते हुए और डांस करते, मतलब डांस करने के यहाँ ऊपर नीचे होती हैं, जंप करना पहाड़ों से नीचे गिरती हैं और जिग जैक मतलब इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हैं, वो बह रही हैं। उन्होंने कहा है जो लोग मुझे देखने के लिए मेरे बैंक, यहाँ दिया माई बैंक, बैंक का मतलब था किनारे, किनारे पर आते हैं मुझे देखने के लिए, वो बहुत एंड देयर सिंस हैव बीन एब्जर्व, देयर हार्ट्स आर फिल्ड विद प्योर, उनके जो यहाँ मुझे देखने आते हैं उनके मतलब पूरे समझ लो उनके पूरे पाप धुल जाते हैं और पाप से वे फ्री हो जाते हैं और उनके हृदय बहुत प्योरिटी से भर जाते हैं, लाइक दैट ऑफ माइंड, मेरी तरह। नेक्स्ट पैरा में उन्होंने कहा है, अब इनकी पहले तो बताए कैसे हुई, अब फिर कहाँ से कहाँ तक ये निकली, आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मैकाल रेंज, तो कहाँ से हुआ इनका उत्पत्ति, ओरिजिन माने उत्पत्ति इनकी कहाँ से हुई, वो मैकाल रेंज से जहाँ शंकर जी तपस्या कर रहे थे, बहुत अच्छा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है, ये उन्होंने बताया कहाँ पर है ये प्लेस, नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर, तो ये अमरकंटक अनूपपुर के पास में है। अब उन्होंने कहा ये कैसे है, अमरकंटक में एक कैसे दिखाई देती हैं, फ्रॉम अ सोर्स नेम्ड आफ्टर मी, यानी कि कुंड के रूप में दिखाई देती हैं, यहाँ उन्होंने बताया कुंड, कुंड जानते हैं छोटा सा मतलब वो भरा रहता है पानी, उसको बोलते हैं कुंड, उसके बारे में बताया उन्होंने, जब किसे उसे क्या कहते हैं, नर्मदा कुंड, आप लोग गए हो या आपने सुना हो कभी अमरकंटक के बारे में, तो वहाँ पर नर्मदा कुंड के नाम से है। फ्रॉम दिस कुंड, अब ये कुंड से लेके कहाँ तक जाती हैं, आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीम, छोटे से नैरो मतलब सकरे यानी कि छोटे से झरने के रूप में ये निकलती हैं, कहाँ पहुँचती हैं, एक आश्रम में, जो ये अपने थोड़ा ध्यान देना, नर्मदा कुंड से निकल के ये कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचती हैं, यहाँ इन्हें लोग क्या कहते हैं, दूध धारा, यहाँ पर ना दूध धारा के नाम से जाता है, एज आई लुक लाइक, क्योंकि वहाँ वो दूध की तरह एकदम सफ़ेद बिल्कुल दूध की तरह दिखाई देती हैं। अब अमरकंटक से वो निकलती हैं थ्रो, ये नाम दिए हैं डिंडोरी मंडला जबलपुर ये सब दिया है, ये सारे आप इसको पढ़ लेना। फिर उन्होंने बताया है अब एट भेड़ाघाट जबलपुर, आपने सुना होगा जबलपुर पास भेड़ाघाट है, वहाँ पर माई बैंक्स आर एडोन, इनके जो किनारे हैं वो सजे हुए हैं, एडोन माने सजे हुए, किससे सजे हुए हैं, थ्रो मार्बल रॉक्स, आपने देखा भेड़ाघाट में वाइट वो मार्बल के पत्थर मिलते हैं, मार्बल रॉक्स मिलते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे सब बताया इनको। इसके बाद उन्होंने बताया है, हाँ,
those who watch my beauty in the light of full moon forget get everything and feel as they reach the award of god. ab jab jo unhone kaha hai jo log mujhe light of the full moon yani ki chandni raat mein meri sundarta ko dekhte hain to wo sab kuch bhul jate hain aur kaisa feel karte hain jaise ki award of god mane bhagwan ke ghar yani ki bhagwan ke ghar mein wo pahunch gaye yani ki bahut zyada acha feel karte hain. इसके बाद उन्होंने बताया वेराघाट में क्या है, आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल, वाटरफॉल वहाँ पे बनाती हैं. इसके बाद उन्होंने आगे बताया फ्रॉम दिस प्लेस, अब ये आगे अभी नाम दिया पढ़ लेना, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, ये सब दिया है, वहाँ पर दिया है उन्होंने का, ये सारा उन्होंने बताया है. अब आते हैं हम घाट ऑफ महेश्वर पर. घाट ऑफ महेश्वर वेयर स्टैंड द हम्बल प्लेस पैलेस ऑफ देवी अहिल्याबाई, जहाँ पर एक बहुत अच्छा एक जगह बनी हुई है, किसकी, देवी अहिल्याबाई की. अहिल्याबाई के बारे में आप जानते हैं, हैव देयर इम्पोर्टेंस एंड सीन, उनकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है और बहुत सुंदरता भी है. अब आते हैं ओमकारेश्वर पर, ये भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर लोग बाग घूमने जाते हैं. तो इस टाइप में उन्होंने अपने ये सारी चीज़ें बताई हैं. इसके बाद उन्होंने बताया आगे बिसाइड दिस, ये सारी कहाँ से कहाँ तक ये पढ़ लेना, इसमें नाम भी दिए हुए हैं. इसके बाद आते हैं पीपल हैव बिल्ड बिग ड्रीम डैम्स अक्रॉस मी, और डैम होता है बांध, वहाँ पर होता है लोगों ने वहाँ पर उनके ऊपर बांध भी बनाए हुए हैं. द डैम एट पुनासा इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट इन इंदिरा सागर डैम, सॉरी इन्होंने बताया, तो वहाँ पे पुनासा में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक इंदिरा सागर डैम है, जो कि कहाँ इज वन इन गुजरात, एक गुजरात में है सरदार सरोवर के नाम से. इस तरीके से उन्होंने डैम के नाम भी बताए हैं दो, जहाँ से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. और इन्होंने मोस्ट सिटी इंदौर के बारे में बताया है कि जहाँ पर वाटर सप्लाई भी मेरे द्वारा होती है. थ्रू आई एम क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द सिटी, बल्कि ये सिटी बहुत शांत तरीके से बहती हैं. क्रॉसिंग धार एंड बरवानी, अब लास्ट में बताया कि धार और बरवानी को क्रॉस करते हुए आई एंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात, इसके बाद वो महाराष्ट्र में आती हैं फिर गुजरात में आती हैं. इन गुजरात अ नंबर ऑफ रिवर्स जॉइन मी, गुजरात में आके बहुत सारी नदियाँ उनमें मिल जाती हैं. एंड आई टेक ऑन एनिमस शेप, और इनकी शेप चेंज हो जाती है. फ्रॉम हेयर आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गुल्फ ऑफ खम्बात एंड बिमलेश्वर, इसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए कहाँ मिलती हैं, गुल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी में बिमलेश्वर में ये मिल जाती हैं. इसलिए दस फ्रॉम अमरकंटक टू बिमलेश्वर आई ट्रेवल 1310 किलोमीटर्स इन ऑल, यानी कि इनकी शुरुआत से लेके अमरकंटक से लेके बिमलेश्वर, यानी कि इनकी उत्पत्ति से लेके इनके अंतिम जहाँ वो मिलती हैं जाके, वहाँ तक के उनका सफ़र है 1310 किलोमीटर का वो सफ़र करती हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैन एंड वीमेन, बहुत सारे लोग, आदमी हो चाहे वो औरतें हों, यंग एंड ओल्ड, चाहे वो जवान हों या बूढ़े हों, अंडरटेक पिलग्रिम्स ऑल अलोंग माई लेंथ एंड अराउंड इट, मेरे यात्री आते हैं तुम्हें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं. दे कॉल इट द होली परिक्रमा एंड कंडीशन, इट इज ग्रेट पिलग्रिमेज एंड रिलीजन अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ, और तो क्या करते हैं, दो ऐसे आते हैं उसकी परिक्रमा भी करते हैं और इसको एक बहुत महान यात्रा के रूप में मानते हैं, और इसको एक बहुत अपनी एक धार्मिक उपलब्धि भी वो समझते हैं उनके जीवन की. तो इस तरीके से नर्मदा नदी के बारे में बताया, नर्मदा नदी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई है, कैसे उनकी जन्म हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से वो उठती हुई, कहाँ तक कैसे कैसे पूरा उनका दिया हुआ है, और लास्ट में जाके बिमलेश्वर में उनकी यात्रा पूरी हो जाती है. इस तरीके से आप इसको, और जो आपका बीच बीच हमने छोड़ा है वो भी आप पढ़ लेना, कुछ नहीं वो आपको समझ में, इस नाम वगैरह है वो हमने छोड़े हैं जो आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है. और कोशिश करना कि इसके आंसर्स भी आप फाइंड कर सको, बिकॉज सारे आंसर आपके बुक में हैं, आंसर भी आप किसके फाइंड करें, क्वेश्चन रीड करें. थैंक यू.